गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज इंडियन एक्सप्रेस का एक टॉपिक है, दैट इज की इश्यूज विल बी बैक इन सुप्रीम कोर्ट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी विल। सो ये मनी विल के रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। सो हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं, बेसिकली क्यों न्यूज में है तो सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट एग्री हो चुका है कि जो विवाद चला है मनी विल, बेसिकली मनी विल रूट का, जो है कि लोकसभा जो है एक प्रिविलेज है लोकसभा के पास, एक लोकसभा के पास एक सुविधा है मनी विल के रिगार्डिंग। राज्यसभा के पास ऐसी सुविधा नहीं है मनी विल के रिगार्डिंग कि उसे वो अमेंड कर सके या उसके लिए स्पेशल कुछ पावर यूज कर सके, सिर्फ वो लोकसभा के पास पावर है मनी विल के रिगार्डिंग। तो उसी के रिगार्डिंग पेटिशंस को चैलेंज की हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो एग्री हो चुके हैं कि वी विल हेयर ऑन दैट पिटीशन। ठीक है जी। सो मनी विल रूट के ऊपर ही एक मुद्दा है कि मनी विल रूट जो है वो एक सही नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा को बेसिकली कुछ ऐसे बिल्स होते हैं कि राज्यसभा को साइडलाइन किया जाता है। तो आपके पास एज यू नो कि यूनियन बजट जो है वो जुलाई 23 को पेश होने वाला है। तो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल जी, देन अभिषेक मनु सिंघवी एंड इंदिरा, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है सो दैट की अर्जेंट हेयरिंग हो सके इस मैटर पे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मनी विल। अब हम मनी विल की ओर चलते हैं। ठीक है। सो मनी विल क्या है? तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। मनी विल्स ऑफर अ फास्ट ट्रैक रूट टू इन एक्ट लेजिस्लेशन बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर पासेज इन राज्यसभा। तो ये पहले ही बता रहे हैं कि एक फास्ट ट्रैक रूट है जहाँ पे लोकसभा की जरूरत पड़ती है परंतु राज्यसभा की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और कुछ ऐसे बिल्स हैं नॉर्मली, कुछ ऐसे बिल्स इन रिसेंट ईयर्स में पास हुए हैं, जैसे कि PMLA जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ED आपको पता ही कि केजरीवाल हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है, एज पर दिस एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो इसको भी मनी विल के तौर पर ही पास किया गया है। देन अदर एक्ट्स आर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, FCRA जिसे आप कहते हैं, आधार एक्ट है 2016, दीज थ्री एक्ट, इवन मैनी अदर एक्ट हैज बीन पास्ड, मतलब ऐसे कुछ एक्ट हैं अधिनियम में जो पारित किए गए मनी विल के नाम पर। ओके। सो अब यही क्वेश्चन एक राइज हुआ कि द क्वेश्चन ऑफ विच विल्स कैन बी डिस, कौन से बिल्स जो है वो मनी विल्स कहलाए जाएं। ठीक है जी। वो एक 7 judge bench, ठीक है, ये बेसिकली एक रेफर किया गया, ठीक है, बाई अ 5 judge bench led by then CJI Ranjan Gogoi in the Roger Matthew versus South Indian Bank Limited in October 2023, CJI Chandrachud had said that 7 judge bench would be set up soon. So, अब जो एक मनी विल के लिए कि कौन से बेसिकली कौन कौन से मैटर्स हैं, बिकॉज अभी तो देखिए संविधान में कुछ मैटर्स दे रखे हैं जैसे इम्पोजिशन, एवोल्यूशन एंड रेमिशन, अल्टरेशन, मतलब कुछ टैक्स क्यों लाना है या एवोल्यूश करना है या रेमिट करना है या कुछ चेंजेस लेके आना है, तो ऐसे अगर कुछ करना है बिल्स में तो भाई वो मनी बिल कहलाया जाएगा। अब आप लोगों को कुछ फंड्स बताऊंगी, जैसे कंसोलिडेटेड फंड हैं, जैसे कॉन्टेंजेंसी फंड हैं, ठीक है जी, इनसे कुछ पैसा निकाला जाए तो वो कोई बिल जो इनसे डील कर रहा उसको मनी बिल में। सो अब स्पेसिफिकली आपके पास जो करंटली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि 7 judge bench जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ताकि प्रॉपरली एनालाइज किया जाए कि यार मनी बिल कैसे जस्टिफाई हो सकता है। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा बेसिकली एक मुद्दा है। ठीक है जी। तो ऐसी याचिकाएं आपके पास पेश पेटिशन जो है वो दर्ज की गई कि इस रूट पे कम से कम बात तो की जाए, ठीक है, एक वे आउट निकला जाए। तो मनी विल इन संविधान के अंदर मनी विल। तो अगला टॉपिक यहाँ पे दे रखा है। तो मैं डायरेक्टली आऊंगा आर्टिकल 109 पे, जो क्या कहता है कि मनी विल शैल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड अपॉन पासेज। उसके बाद जब लोकसभा से पास हो जाए तो वो ये राज्यसभा में जाए, जाता है वे राज्यसभा में, नो डाउट, बट आपके पास रिकमेंडेशन के लिए। राज्यसभा क्या करेगा, इसके लिए 14 days का टाइम है जनाब। कितने दिन का? 14 days का। बट इट इज अप टू द लोकसभा कि भाई उसके द्वारा दी गई जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन है, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। नॉर्मली बेसिकली होता क्या है, नॉट एक्सेप्टेंस ही रहती है। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर नहीं भेजा, अगर नॉट रिटर्न्ड बाय द राज्यसभा, तो माना जाता है कि जो आपके पास मनी बिल है, जो वित्तीय बिल है, वो पास हो चुका है। मनी बिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। आर्टिकल 110 है,
ठीक है, आर्टिकल 109 जनरली लोकसभा के अंदर पासेज वाली बात करता है, 109। वैसे मनी विल की डेफिनेशन कौन सा आर्टिकल देता है? 110। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 110 आर्टिकल, जो कि एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दे रहा है मनी विल की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दे रहा है, जो कि एक संक्षेप में बता रहा है, परंतु अब उसको प्रॉपरली समराइज करेगा जनाब वो सेवन जजमेंट, ठीक है, जो भी मैंने बात की है। अच्छा, अब ये मनी विल क्या क्या परिभाषाएं इसमें डालता है, आप देखेंगे। अब इस परिभाषा में ये सब्जेक्ट डालता है, जैसे टैक्सेशन हो गए, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी, सरकार के ऊपर कोई वित्तीय ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो निधि से कंसोलिडेटेड फंड हैं, जैसे हमारे पास उससे कोई पैसा लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, इवन कॉन्टिजेंसी फंड है, कोई आपके पास ऐसा कोई एक्सपेंडिचर आ गया अनफॉरसीन, जैसे बरसातें आने वाली हैं, कुछ बाढ़ वगैरह हो गया, कुछ पैंडेमिक फैल गया, तो उसके लिए पैसा निकलना है, तो वो जो पैसा, वो जो बिल जो इन चीजों से डील करेगा, उसको आप क्या कहेंगे नॉर्मली, उसको आर्टिकल 110 में लाया जाएगा और उसे मनी बिल का नाम दिया जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद एक और आर्टिकल की बात की जाती है, दैट इज अंडर आर्टिकल 110 के क्लॉज 3 की। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 110 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है? अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि जनाब क्या ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो कोई संवैधानिक इकाई नहीं उसे तय करती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो करेंगे, तो यहाँ पे स्पीकर बेसिकली जो आपके पास लोकसभा के जो हेड होंगे, अध्यक्ष होंगे हाउस ऑफ पीपल के, वो तय करेंगे कि जनाब ये बिल मनी बिल है और ये फाइनल रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी राज्यसभा का कोई से नहीं है, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ओनली लोकसभा, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओनली लोकसभा, ठीक है जी, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रेसिडेंट जो है आपके पास एट द एंड जब बिल पारित हो जाता है, वो एसेंट दे देते हैं या उसे एसेंट को विदहोल्ड रख सकते हैं, ठीक है, जो मनी बिल के रिगार्डिंग है, परंतु उसको वापिस नहीं भेज सकते। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है स्वीकृति दे देते हैं मनी बिल के, क्योंकि ऐसा है कि पार्लियामेंट में जब मनी बिल पेश होता है तो राष्ट्रपति की परमिशन से ही पेश होता है, तो नॉर्मली साधारण तौर पर राष्ट्रपति इस मनी बिल पे अपना स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, जो इनकी असेंट है, वीटोज है, ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इंपॉर्टेंट केसेस जो है रिगार्डिंग चैलेंजिंग ऑफ मनी बिल, वो दो केसेस हैं, एक तो है आधार एक्ट, दूसरा है फाइनेंस एक्ट, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली एक बता देता हूँ कि आधार एक्ट को भी मनी बिल के रूप में पास किया गया, और 5 जजेस बेंच थे, जिसमें 4 इसके फेवर में थे और 1 इसके डिसफेवर में थे। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, जो एक डिसफेवर में थे वो थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उस समय वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे जब ये केस चला था, और उन्होंने साफ बोला था, ठीक है, कि जनाब मनी बिल का जो रूट है वो नॉर्मली अब्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के लिए क्या है, एक अब्यूज है, मतलब कहीं ना कहीं मनी बिल का गलत तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन एक फाइनेंस एक्ट आया था 2017, इट हैज अमेंडेड, एंड इसने एक रूल लेकर आए थे 2017, ट्रिब्यूनल रूल्स लेकर आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिब्यूनल रूल्स लेकर आए, तो इससे कुछ बार एसोसिएशन मेंबर्स को कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा लगा, यहाँ पे ऑल इंडिया जो लोएस्ट यूनियन है वो भी और कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि फाइनेंस एक्ट 2017 जो है ये स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एंटायरली जो है ऐसे प्रोविजन कंटेन कर रहा है जो कि मतलब जिसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट भी नहीं है जो मनी बिल के रिगार्डिंग हो, और परंतु फिर भी इसे मनी बिल कंसिडर किया गया। तो नवम्बर 2019 में 5 जजेस बेंच बिठाया गया, उसने ट्रिब्यूनल रूल को, जो ट्रिब्यूनल रूल ये जो ट्रिब्यूनल रूल बना, इसको इसको असंवैधानिक घोषित किया, परंतु 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 दिस इज इम्पोर्टेंट, जो मनी बिल वाला क्लॉज था, जो ये मनी बिल वाला क्लॉज है, इसको जो है इसमें सुनवाई नहीं की गई, इस मनी बिल वाले क्लॉज को इसके अंदर सुनवाई नहीं की गई, इसको बेसिकली फर्दर रेफर टू बोला गया कि एक लार्जर 7 जज बेंच जो है बिठाया जाएगा, उसमें मनी बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग होगी। सो टिल डेट अभी तक वो बेसिकली 7 जजेस वाला जो बेंच है वो नहीं बैठा है, जो कि इस मनी बिल की वैलिडिटी के बारे में बात करेगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो कि मनी बिल की वैलिडिटी के बारे में बात करेगा। तो सिंस 2019, इन द ईयर सिंस 2019 जजमेंट, द कोर्ट हैज स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग द मनी बिल क्वेश्चंस, क्योंकि जब भी ये मनी बिल के क्वेश्चन अराइज हुए कोर्ट में, तो उन्होंने सिंपल बोल दिया जनाब जब तक 7 जज बेंच के पास ये पेंडिंग है, तब तक हम कुछ भी जवाब नहीं देंगे। इसके अंदर चैलेंज है, जैसे पीएमएलए ईडी के जो रोल है, कि ईडी की जो बेल कंडीशंस है अंडर सेक्शन 45, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत बार
हमने ये टॉपिक शेयर किया है, एडिटोरियल जो पेजेस हैं बड़े शेयर किए हैं अराउंड अबाउट पीएमएलए अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में, है ना जी। तो इवन आपके जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स के बारे में जो है उसमें भी जो अमेंडमेंट है वो मनी बिल्स के रूट के थ्रू हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन अराइज हुआ। बट ये चैलेंजेस हैं, परंतु अब इन सब के क्वेश्चंस जो मनी बिल की बेसिकली वैलिडिटी के क्वेश्चंस हैं वो अभी तक भी क्या है पेंडिंग है, बिकॉज अभी तक 7 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। सो ऑल द मैटर इज फॉर द मैटर इज पेंडिंग फॉर द 7 जज बेंच। अब देखते हैं कब जाके वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। मनी बिल आप लोगों को पता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल, ठीक है, और लोकसभा का एक मेजर रोल होता है। तो 109 एंड 110, ठीक है, दिस आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, दूसरा डील्स विद द मनी बिल। एंड वन आर्टिकल यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज अगेन अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 3, ठीक है, जहां पर फाइनल से कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओके सो आशा करता हूँ कि आर्टिकल समझ आ गया होगा, मनी बिल के बारे में कुछ चीजें आपको समझ आ गई, और कुछ ये भी समझ आ गया कि चैलेंजेस क्या हैं अभी कोर्ट में और मनी बिल के रूट में क्या कमियां हैं। सो धन्यवाद। सो काइंडली हमारे चैनल को, हमारे पेज को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।